हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं आलू और भिंडी की सब्जी बनाने फ्रेंड्स, क्योंकि भिंडी इसमें मार्केट खूब आ रही है फ्रेंड्स, और बच्चे लगभग इसे खाना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं भी खा रहे हैं तो आप आलू के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बच्चे टिफिन में भी आप रख देंगे तो उन्हें भी ले जाएंगे, पराठा के साथ खाएंगे, उन्हें भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और बार बार आपसे जिद करेंगे इस तरीके से बनवाने की। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे हमारे फ्रेंड्स तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी जाके इसे फॉलो करें फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, 200 ग्राम हम भिंडी ले लिए हैं, इसे इस तरीके से हम कट किए हैं, ये देख पा रहे हैं इस लंबे साइज़ में हम कट किए हैं, और आलू भी हम दो मीडियम साइज़ की आलू हमारी है उसे भी हम लंबे साइज़ में ही कट किए हैं। तो इस तरीके से भिंडी बनाएंगे फ्रेंड्स, सभी पसंद करेंगे। आप पराठा के साथ सुबह बना सकते हैं, या बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी इसे दे सकते हैं। तो देखिए, सरसों को ऑयल में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। सरसों को ऑयल डाल दिए हैं, और जीरा डाले हैं, देखिए अजवाइन डालेंगे, अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो देखिए, क्रश करके धनिया डाल दिए हैं जो है, और हींग डाले हैं, उन्हें थोड़ा सा पकने देंगे। तो देखिए पक जाएगा, फिर हम प्याज डालेंगे, एक बारीक प्याज काट लिए हैं, देखिए लंबे साइज़ में इसे स्लाइस में काटे हैं, इसे भी हम डाल दिए हैं। इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अभी ये आलू के साथ जो है पक जाएंगे, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर हम लहसुन को डालेंगे, जो लहसुन लिए हैं काट के, आप लहसुन को कोट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से डाले हैं क्योंकि भिंडी में इसका फ्लेवर लहसुन का अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए हम डाले हैं इस तरीके से। अब इसे कोट के भी आप ले सकते हैं। तो देखिए डाल दिए हैं, देखिए प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन कर रहे हैं, बस हल्का सा ही प्याज पका है। तो देखिए हरी मिर्च डाल दिए हैं, दो तीन हरी मिर्च जिसे हम काट लिए हैं उसे हम डाल दिए हैं, देखिए लंबे साइज में उसे भी काटे हैं। देखिए अब आलू हम डाल दे रहे हैं, दो आलू हम लंबे मीडियम साइज़ के आलू हमारी है, तो हम लंबे साइज़ में से देखिए इस तरीके से लंबे लंबे साइज़ में काटे हैं। इस तरीके से आप बनाइएगा सब्जी फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और जल्द बन भी तैयार हो जाती है, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, काफ़ी खाने में टेस्टी लगती है। रोटी पराठा किसी के साथ आप खा सकते हैं इस सब्ज़ी को। तो देखिए नमक थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा भी हम बाद में डालेंगे, अभी पूरा नमक नहीं ऐड किए हैं। और 1/4 चम्मच हम हल्दी डाल दिए हैं, और चला दे रहे हैं। अभी आलू को हम पकने देंगे, फिर हम भिंडी को डालेंगे। तो ये देखिए चला दे रहे हैं, और ढक के हमें पकाना है, करीब 5 से 6 मिनट हम पकने देंगे, तो इतने में आलू हमारी पक जाएगी। ये देखिए चलाए हैं, अब ढक दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो 5-6 मिनट हम पकने देंगे, तो आलू हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगी और पक भी जाएगी फ्रेंड्स। फिर थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा, करीब 70-80% तक पक जाएगी, फिर हम भिंडी के साथ वो पक जाएगी। तो देखिए पक इतना पकी है 5-6 मिनट तक, उसके बाद हम 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर को डाले हैं। तो देखिए चला दे रहे हैं, इनमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बस हिसाब से ही डालें, फिर भी सब्ज़ी बनके बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि ये देखिए चला दिए हैं, और मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो भिंडी अब हम डाल दे रहे हैं, तो 200 ग्राम भिंडी हमारी है उसे हम डाल दे रहे हैं, ये देखिए चला दे रहे हैं। अभी नमक हम अब थोड़ा सा ही ऐड पहले किए हैं, अभी थोड़ा सा हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए चला दिए हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स भिंडी बनाएंगे, सभी पसंद करेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाएं।
देखिए चला दिए हैं, और ढक देंगे हम, पकने देंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। देखिए कसूरी मेथी लास्ट में डाल दिए हैं, और गरम मसाला हम 1/4 चम्मच डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, थोड़ा थोड़ा ही मसाला डाले हैं। तो ये देखिए चला दे रहे हैं, और सब्ज़ी हमारी लगभग पक ही गई है। तो लास्ट में हम नमक को ऐड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि नमक को हमें बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करना था। तो ये देखिए, क्योंकि पहले डाल देते तो भिंडी में पानी छोड़ देता, इसलिए लास्ट में बिल्कुल डाले हैं। तो भिंडी भी हमारी पक गई है, आलू भी बिल्कुल पक गया है। तो लास्ट में नमक स्वाद अकॉर्डिंग